जय महाकाल दोस्तों, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है तो जेठ महीने का एक छोटा सा उपाय करना है। जेठ महीने की आप चतुर्थी को ये उपाय कर सकते हैं या किसी भी महीने की चतुर्थी को ये उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये एक त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश भगवान का जन्म हुआ था। यदि गणेश चतुर्थी के दिन चार उपाय कर दिए जाएं तो इससे आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पहला क्या उपाय है, अगर गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ा दी जाए तो इससे आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही गणेश भगवान को यदि हल्दी अर्पण कर दी जाए तो अत्यंत शुभ माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि गणेश जी को हल्दी अर्पण करने से जीवन की समस्त परेशानियों का निवारण हो जाता है। वैसे हल्दी से गणेश जी का तिलक करने से शुभ कृपा ज्यादा मिलती है, साथ ही हर काम में सफलता हासिल होती है। यदि आप गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित कर दें या सिंदूर उनके मस्तक पर लगा दें तो इससे गणेश भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गणेश भगवान का एक चमत्कारिक मंत्र है जिसके जाप से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और परेशानियां दूर होती हैं। इस मंत्र के जाप से भक्तों को जल्द ही शुभ फल प्राप्त होता है। वो मंत्र क्या है, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करना है आप। उसके बाद अब जान लेते हैं कि हर एक महीने में जो चतुर्थी आती है उस दिन हमें क्या उपाय करना। एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, वो भी तत्काल। दोस्तों, आज तक जितने भी उपाय बताए हैं ये आपको मैंने अपने पूज्य गुरु की कथा से ही सुनकर बताए हैं, तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। देखो आपको करना क्या है, चतुर्थी का दिन जब भी पड़ता हो आप चतुर्थी के दिन शाम को चंद्रदेव जब दिखें तो उन्हें प्रणाम करना और धूप दीप दिखाकर पहले उनकी पूजा कर लेना, और उसके बाद जहां भी आपके घर में गणेश जी की मूर्ति हो, फोटो हो, वहां पर आपको जाना है। उससे पहले आपको एक लेना है लोटा और उस लोटे में भर लेना है जल। उसके बाद उस लोटे को गणेश जी के सामने रख देना है। उसके बाद लोटे के नीचे कुछ दाने आपको गेहूं के, चावल के या जो भी आपके घर में अन्न हो उस अनाज के ऊपर ही जल भरे लोटे को रख देना है। उसके बाद आपको भगवान श्री गणेश की पूजा कर लेना है, जैसे आप अभी तक करते आए हैं वैसे ही, जैसे भी आपसे बन सके ठीक वैसे ही आप गणेश जी की पूजा श्रद्धा से कर लेना। उसके बाद इस लोटे के जल को वहीं रखे रहना दीजिएगा पूरी रात, और सुबह उस लोटे को उठाएं, किसी पेड़ पौधे के नीचे इसका जल डाल दीजिएगा। पहला काम कर लिया, दूसरा काम क्या करना है, आपने जो भी अनाज के दाने लोटे के नीचे रखे थे उस अनाज को उठाकर किसी पॉलीथीन किसी डिब्बे में रख लीजिएगा। ठीक है, रख लिया। अब यहीं से मुख्य उपाय है, ध्यान से सुनना। आपके घर में जो भी सदस्य घर से बाहर निकले किसी काम के लिए, किसी भी काम के लिए, लेकिन ध्यान रहे आपके घर के अलावा किसी भी व्यक्ति को अन्न नहीं देना है ये वाला। आपके घर का ही सदस्य हो, आपका भाई हो, आपके हस्बैंड हो, आपके ससुर हो, आपका बेटा हो, उन सबको ही। अगर वो बहुत जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसी अन्न में से कुछ दो चार दाने उनकी जेब में आप डाल दीजिए और वो उस काम के लिए निकल जाए। यकीन मानिए उनका काम जरूर से जरूर होगा। अब आप ये जरूर पूछेंगी कि अगर जब वो वापस आ जाएं फिर हम उस दाने का क्या करें, तो देखिए अगर वो दाने उनकी जेब में से गलती से गिर जाएं, मान लो फोन निकालते हुए रुमाल निकालते हुए दाने गिर जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो दाने सुरक्षित लौट आए हैं तो उनकी जेब से वो दाने लेकर पक्षियों को डाल दें या किसी सांप पेड़ के नीचे डाल दें। बस इतना ही काम करना है। देखिए चतुर्थी का दिन बहुत विशेष होता है भगवान श्री गणेश के लिए, और आप सबको ये भी पता होगा कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की ही पूजा करते हैं, तो आप इस विशेष बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए श्री गणेश भगवान सभी की मनोकामना को बहुत ही जल्दी सुनते हैं, बस ये उपाय अगर थोड़ा तरीके से किया जाए तो जल्द ही परिणाम देखने को मिलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना, साथ ही अगर आप ऐसी ही उपाय और भी सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।